Hello there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहाँ चल रहा है हमारा CWL week. चार battle days हो चुके, आज है हमारा fifth battle day. चलिए बिना किसी भी देर किए हुए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो सीरीज़ नहीं देख पाए वो पूरी सीरीज़ देखिए, CWL में आपको बहुत मदद होगी. चलिए लेट्स सी द वॉर बैटल डे 5. तीन तीन स्टार हो चुके दोनों क्लैन के, और जैसा कि मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था फोर्थ वॉर हम हार जाएंगे. लेकिन देखिए टफ फाइट DM ने भी 21 स्टार्स करे और ओपोनेंट ने किए 30 स्टार्स, जबकि हमारा क्लैन लो था. फिर भी हम जीतने की कोशिश तो किए. तो गाइस चार दिन के बाद हमारा रिजल्ट देख सकते हैं आप, दो वॉर जीत चुके दो वॉर हार चुके. अब देखिए फिर भी पोजीशन हमने मेंटेन किया है फोर्थ पर, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्टार्स किए. चलिए अब बढ़ते हैं इस बैटल की तरफ. यहाँ पर देखिए जो पहला TH 10 बेस है 8 नंबर, और ये सामने है लेवल 11 क्लैन साइको. ये मुझे एक एक्टिव क्लैन लग रहा है क्योंकि इनके भी स्टार्स है बढ़िया. इस पर मैं अटैक करूँगा जो फर्स्ट टाउन हॉल 10 बेस, क्योंकि इस बार तो 3 स्टार करना ही है. टाउन 11 पर अटैक करके मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ. तो आज जो मैं आर्मी यूज़ करने वाला वो है गिबोविच. गिबोविच का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, तो आप जाकर देख सकते हो वीडियो. फिर देखिए ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है. चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अटैक की तरफ. 3 स्टार करना है. CC में मैंने लिए हेड हंटर्स जो है वो हीरोज को मारते. चलिए इन्फर्नो से देखिए आर्चर पिन डाउन इन्फर्नो के साथ, सेकेंड इन्फर्नो भी डाउन कर देंगे. चार लाइटनिंग और एक इन्फर्नो से. सो गाइस आर्चर पिन कैसे डाउन करना है वो मैंने आपको गोबोविच के इस वीडियो में भी बताया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. ऐसे बेस पर आर्चर पिन भी डाउन करना ज़रूरी है. सो जायंट्स, उनके पीछे विचिज, उनके पीछे बॉलर्स, सीट बैरक्स, आर्चर क्वीन, बारबेरियन किंग, और दो दो वॉल रेकर्स यूज़ करके वॉल तोड़ देंगी. तो सारे ट्रूप्स अंदर जा रहे हैं. देखिए एक साइड पर जायंट्स एंड बॉलर्स है, यहाँ पर पैका जायंट बॉलर्स विचिज आर्चर क्वीन बारबेरियन किंग, और ये CC में से निकला है विचिज एंड आर्चर्स. तो फ्रीजन पॉइजन डाल दिया है मैंने, तब तक ट्रूप्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर जाएंगे. लेट्स सी हम अटैक रिस्टार कर पाते या नहीं. और ये CC में से निकले हेड हंटर्स और जायंट्स. आर्चर क्वीन तो वैसे ही डाउन हो गई थी, और जो है वो हमारा बारबेरियन किंग डाउन हो चुका है. सो अब हेड हंटर्स जाएंगे कहीं पर भी अटैक करने. हेड हंटर्स जो है वो वॉल भी जंप कर सकते हैं, इसीलिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए. देखिए हेड हंटर्स का अटैक दिख रहे हैं आपको हेड हंटर्स सेंटर में, और ये एक साथ दो जायंट बम फूटे जिससे हेड हंटर्स थोड़े डिस्ट्रॉय हो गए. फिर भी दो तीन हेड हंटर्स बचे हैं. कम ऑन यू कैन डू अ 3 स्टार गाइस. आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे, एबिलिटी भी बची हुई है. यहाँ पर साइड पर देख सकते हैं आप कितने सारे विचिज हैं, उनके स्केलेटन्स भी दिख रहे होंगे. तो इजीली अटैक हमारा हो जाएगा 3 स्टार. लास्ट बचा है सिर्फ एक कैनन और एक बॉम्ब टावर. तो गाइस रॉक ऑन, हमारा अटैक हो चुका है 3 स्टार. तो अब हमारे क्लैन की बहुत हेल्प हो जाएगी इन 3 स्टार से, जिससे हम टफ से टफ ओपोनेंट के सामने अभी भी टिके हुए, लीग नहीं गिरा रहे. नहीं तो क्या होता है लीग गिर जाते हैं, जिससे कि क्लैन को बहुत नुकसान होता है, आपको कम बोनस मिल सकता है. तो गाइस अब हो चुके हैं हमारे 6 स्टार्स और ओपोनेंट के 3 स्टार्स. चलिए फिर अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, देखेंगे हम ये वॉर जीत पाते या नहीं. मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से हम ये वॉर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये एक एक्टिव क्लैन है. सो मैं मिलूँगा अब आपसे 5th बैटल डे में एक और अलग स्ट्रेटजी के साथ. बाय गाइस.